आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ, नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। मधुस्थली विद्यापीठ मधुपुर, एडमिशन गोइंग ऑन इन क्लास 11, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल इन क्लास 11 इन 3 स्ट्रीम्स कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। कॉन्टैक्ट 8084272772 9931565416। मधुपुर के आमतल्ला भेड़वा स्थित गांव में नेहरू युवा केंद्र देवघर के तत्वाधान में मंगलवार को स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में आज आमतल्ला स्थित गांव में NYV प्रीति राज प्रजापति व मनोज कुमार दास के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं के द्वारा झाड़ू लगाकर अपने आसपास गली मोहल्ला स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रीति राज ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में 1 से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कहा, कार्यक्रम के तहत प्रभात फेरी, शपथ स्ट्रीट प्ले, सेमिनार, क्विज, पेंटिंग व वॉल राइटिंग प्रतियोगिता समेत स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आसपास के गली मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई करने की अपील आम जनों से किया जाएगा। मधुपुर महिला थाना परिसर में मंगलवार को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब महिला थाना पहुंचे वर वधु पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। दोनों पक्षों को आपस में भिड़ता देख महिला थाना पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल मधुपुर के नबीबक्स रोड निवासी कमली देवी ने बीते 27 जुलाई को महिला थाना में आवेदन देकर ससुराल वालों पर दहेज की खातिर उनकी नतनी नेहा देवी को घर से निकाल देने की शिकायत की थी। इसी मामले में आज दोनों पक्षों को महिला थाना प्रभारी रेणु कुमारी ने काउंसलिंग के लिए बुलाया था। इससे पहले ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। दोनों पक्षों के बीच पुलिस काउंसलिंग करने में पुलिस जुटी है। मधुपुर पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर एक धंधेबाज को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक ने बताया कि गिरफ्तार युवक प्रदीप चौधरी खलासी मोहल्ले का रहने वाला है। उसके पास से बियर का कैन व विदेशी शराब की कई बोतलें मिली हैं जो अवैध रूप से बेचता था। गुप्त सूचना पर अवैध कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अवैध शराब धंधेबाज को आबकारी विभाग देवघर को सौंप दिया जाएगा। जानकारी हो कि जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंगलवार को मधुपुर सर्कल इंस्पेक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में मधुपुर थाना के पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध शहर के विभिन्न मोहल्लों में अभियान चलाकर छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। 3 को पूछताछ के बाद थाना से छोड़ दिया। पुलिस के द्वारा अभियान चलाने से अवैध शराब धंधेबाज गिरोह में खलबली मची हुई है। मधुपुर थाना परिसर में स्थित अंचल पुलिस निरीक्षक कार्यालय कक्ष में मंगलवार को अंचल पुलिस निरीक्षक रामदयाल मुंडा ने अंचल क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने मधुपुर, करों, बुढ़ई, मार्गो मुंडा व महिला थाना में दर्ज विभिन्न मामलों का समीक्षा किए। साथ ही पिछले माह में घटी अपराध की समीक्षा की गई और लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने कहा कि अंचल क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटना के साथ साथ अवैध शराब, कोयला, जुआ, सट्टा व बालू तस्करी के अवैध कारोबारी के विरुद्ध अंकुश लगाने के निर्देश दिए। साथ ही फरार चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिए। मौके पर महिला थाना प्रभारी रेणु कुमारी, मार्गो मुंडा थाना प्रभारी सुमित लकड़ा, बुढ़ई थाना प्रभारी जिशान अख्तर, पाथरोल थाना प्रभारी मनीष कुमार आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे। अनुमंडल अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के निर्देशानुसार स्वास्थ्य टीम द्वारा स्पेशल ड्राइव के तहत कोरोना वायरस की जांच हेतु 1300 व्यक्तियों का सैंपल संग्रह लैब टेक्नीशियन विनय कुमार, प्रमोद पंडित, वरुण पंडित, महमूद आलम, अजय कुमार, विनोद कुमार, राजेश कुमार, राजीव रंजन, दीपू ठाकुर, मोहम्मद शोहेब आलम तथा राजेंद्र प्रसाद ने किया। 1300 में से 200 व्यक्तियों का एंटीजन किट द्वारा जांच किया गया, जिसमें सभी का परिणाम निगेटिव प्राप्त हुआ। वहीं 1100 व्यक्तियों का RT-PCR जांच हेतु सैंपल संग्रह किया गया। इस संदर्भ में उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि संभवतः 1 सप्ताह में सभी RT-PCR सैंपल का परिणाम प्राप्त हो सकता है।
इस दौरान लाभार्थियों को कोविड 19 संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। उन्हें बताया गया कि कोविड के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, दर्द आदि लक्षण होने पर कोविड जांच अवश्य कराएं तथा कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, फेस मास्क अवश्य लगाएं, हैंड वॉश से आधे आधे घंटे पर हाथ को साफ करते रहें, जहां पानी की उपलब्धता ना हो सैनिटाइजर का उपयोग करें, 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति निसंकोच होकर कोविड वैक्सीन लें, यह पूर्णतः सुरक्षित एवं कारगर है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें एवं देश को कोरोना वायरस पर विजय पाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। वहीं अनुमंडल अस्पताल मधुपुर में कुल 100 व्यक्तियों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु वैक्सीन दिया गया। 8 व्यक्तियों को प्रथम खुराक जबकि 92 व्यक्तियों को दूसरी खुराक दी गई। सभी व्यक्तियों को वैक्सीन देने से पूर्व पंजीकरण का कार्य नित्यानंद मेहरा एवं अजय रजवार कर रहे थे, जबकि डेटा एवं ऑनलाइन संबंधित कार्य दामोदर वर्मा, गौतम कुमार, विकास झा, हसमतुल्ला खान एवं शिवानंद झा कर रहे थे।